हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। आपको इस एशिया के सेशन में स्वागत है। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था एशिया के बारे में, एशिया की साउथ कंट्री के बारे में और साउथ ईस्टर्न कंट्री के बारे में। इसके साथ हमने ईस्ट कंट्री के बारे में भी पढ़ा था। उस टाइम एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था जिससे कि हम सेंट्रल एशिया और नॉर्थ एशिया को स्किप कर दिए थे। अभी इसमें सेंट्रल एशिया नॉर्थ एशिया को हम डिटेल में कवर करते हैं। देखिए, नॉर्थ एशिया का मतलब क्या है? एक ही कंट्री को नॉर्थ एशिया के पार्ट हम पिछले सेशन में देखे थे। एक कंट्री कौन है? वो रूसिया। सो रूसिया जो है, रूसिया पूरा का पूरा इधर से लेके इधर तक, ये है हमारा रूसिया। देखिए दोस्तों, रूसिया दो कंटिनेंट में भाग हो गया है। अभी रूसिया का कुछ पार्ट, मतलब 60% पार्ट हम बोल सकते हैं, ये हमारा एशिया में है और लगभग 40% पार्ट हमारा यूरोप में है। रूसिया एक ऐसा कंट्री है जो कि यूरोप में भी अपना एरिया है उसका, और इंडिया और हमारा एशिया में भी उसका एरिया है। ये एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट कंट्री बन जाता है जिसका कैपिटल है मस्को। फिर आते हैं अभी सेंट्रल एशिया की तरफ। देखिए, सेंट्रल एशिया में टोटल 5 कंट्री आते हैं। पहले पहले माइंड मैप के मदद से हम इसको याद कर लेते हैं। अगर हम सेंट्रल एशिया के बारे में बात करें तो इसके टोटल 5 कंट्रीज आते हैं। पहला आता है हमारा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। फिर कजाकिस्तान का दो ब्रांच निकलेगा। एक ब्रांच में आएगा किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों? इसके नीचे आ जाएगा हमारा ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान। देन और एक ब्रांच में जाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा हमारा उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का नीचे क्या आ जाएगा? उज्बेकिस्तान का नीचे आ जाएगा हमारा तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इसको हम अब मैप में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये रहा हमारा कजाकिस्तान, फिर दो ब्रांच निकलेंगे इधर से। एक रहा किर्गिस्तान, दूसरा रहा हमारा ताजिकिस्तान। इधर ब्रांच के बारे में बात करेंगे, ये रहा उज्बेकिस्तान, उसके नीचे आएगा तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, अब ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान में कंफ्यूज मत होना। इंडिया ये है ना, इंडिया के पास में जो होगा उसका नाम इंडिया में ताज है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ताजिकिस्तान इंडिया के पास में है तो इस साइड ब्रांच में आ जाएगा, और तुर्कमेनिस्तान दूर के ब्रांच में आ जाएगा। ये तो आपको पता है, ये अफगानिस्तान है और ये पाकिस्तान। अभी इसी कंट्री का कैपिटल के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा कजाकिस्तान जो है, इसका कैपिटल है नूर सुल्तान। इट्स कैपिटल इज नूर सुल्तान। देन किर्गिस्तान की अगर हम बात करेंगे, इसका कैपिटल हो जाएगा बिस्केक। देन ताजिकिस्तान का कैपिटल बिस्केक, आप कैसे याद रखोगे? एक डेजर्ट में एक स्नेक होता है, पता है? वो साउंड निकलता है जैसे किरकिर किरकिर होके साउंड निकलता है। ठीक है, तो सांप का क्या होता है? सांप के शरीर में 20 होता है, तो ऐसे में आप बिस्केक याद रख सकते हो। ताजिकिस्तान को कैसे याद रखो? ताजिकिस्तान इंडिया के पास में है, और ताजिकिस्तान के नीचे हमने देखा था अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो निठल्ला है वो हमारा दुश्मन है। तो ऐसे आप ताजिकिस्तान का कैपिटल याद रख सकते हो जिसका नाम है दुशानबे, दुशानबे इसका कैपिटल है। फिर आते हैं हम उज्बेकिस्तान की तरफ। उज्बेकिस्तान का कैपिटल क्या है दोस्तों? ये आप याद रखो बार बार। उज्बेकिस्तान का कैपिटल है हमारा ताशकेंट, ताशकेंट। फिर आ जाता है हमारा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल क्या हो जाएगा? अस्काबाद, अस्काबाद। ठीक है, चलो मैप में फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं और एक बार। देखिए, आप मुझे बताना, मैं अभी नंबरिंग दे रहा हूँ, मुझे आप बताना कौन सा कंट्री कौन है। एक नंबर कौन सा कंट्री है, ये दो नंबर कौन सा है, तीन नंबर कौन सा है, चार नंबर और पांच नंबर। वीडियो पॉज करके बताना और कंट्री का नाम भी बताना।
कैपिटल का नाम भी बताना। देखिए एक नंबर में जो है उसका नाम क्या है, तुर्कमेनिस्तान। इसका कैपिटल क्या हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल क्या हो जाएगा, हमारा अस्काबाद। देन दो नंबर में जो है इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है हमारा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान का कैपिटल बिस्केक। तीन नंबर में हो जो है उसका नाम है कजाकिस्तान। कैपिटल क्या है, कैपिटल है नूर सुल्तान। देन चार नंबर में जो है उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है ताजिकिस्तान, दुशानबे जिसका कैपिटल है। पांच नंबर में है हमारा उज्बेकिस्तान जिसका कैपिटल है तास्किंत। फिर से हम पूछ रहे हैं, फिर से आप रिवाइज करने की कोशिश करिए। हमारा तास्केंट कहाँ पर है, तास्केंट, तास्केंट इधर है, उज्बेकिस्तान का कैपिटल तास्केंट। फिर नूर सुल्तान किसका कैपिटल है, कजाकिस्तान का कैपिटल है। फिर आते हैं असगाबाद, असगाबाद किसका कैपिटल है, असगाबाद कैपिटल है हमारा इस रीजन का। इस रीजन को क्या बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं तुर्कमेनिस्तान। देन बिश्केक किसका कैपिटल है, बिश्केक है इस रीजन का कैपिटल। इस रीजन को बोला जाता है हमारा किर्गिस्तान। देन हमारा दुशानबे किसका कैपिटल है, ताजिकिस्तान का कैपिटल। आई थिंक इतना आपको याद रह गया होगा। फिर से फॉर द सेक ऑफ रिवीजन फिर से और एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। देखिए ये रहा हमारा कजाकिस्तान जिसका कैपिटल हुआ हमारा नूर सुल्तान। इसके नीचे आएगा किर्गिस्तान जिसका कैपिटल क्या हो जाएगा, बिस्केक। फिर ये रहा हमारा ताजिकिस्तान, कैपिटल दुशानबे। इसके नीचे आ जाएगा उज्बेकिस्तान, उसका कैपिटल क्या है, तस्केंट। देन ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल क्या हो जाएगा, इसका कैपिटल है हमारा अस्गाबाद। आई थिंक सेंट्रल एशिया के बारे में आपको सब कुछ याद रह गया हो। सो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ एशिया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वेस्ट एशिया के बारे में। सो थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।